आज के समय में हर कोई देश अमेरिका से मदद की गुहार की ओर दिख रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की खुराक के कोविड 19 टीकाकरण पर लगाई गई 11 दिनों की रोक हटा ली है। वैज्ञानिक सलाहकारों ने पाया है कि इसके फायदे खून के थक्के जमने के दुर्लभ खतरे से बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद रोक हटाने का फैसला किया गया। सरकार ने इस टीके के लिए 80 लाख लाभार्थी में से 15 ऐसे लोगों को पता लगाया है जिसमें खून के थक्के जमने के बेहद दुर्लभ स्थिति उत्पन्न हुई है। ये सभी महिलाएं थीं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी और कम भी थी कुछ की। इनमें से 3 की मौत हो गई और 7 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अंततः शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA और रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र CDS ने फैसला किया है कि जॉनसन एंड जॉनसन का एक खुराक वाला टीका वैश्विक महामारी से लड़ने में अहम है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि खून के थक्के जमने के छोटे से खतरे को चेतावनी देने के साथ ही लगाना चाहिए ताकि कम उम्र की महिलाएं फैसला ले सके उन्हें यह टीका लगवाना है या कोई विकल्प नहीं चुनना है। CDS के निर्देशक डॉक्टर राशिल विलेक्सिंग ने एक बयान में कहा है कि अन्य सभी चीज़ों से ऊपर हमारे फैसले में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया। काश ऐसे ही भारत में भी कहा जाता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने कहा है कि हमारा टीका सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत का भी सुरक्षा टीका प्रणाली पर ही काम कर रहा है। हमने J&J के टीके की लाखों खुराकें में से बेहद दुर्लभ घटनाएं देखी हैं और लगातार उन पर नज़र बनी हुई है। अमेरिका का यह फैसला CDS सलाहकारों के निष्कर्षों पर आया है जिन्होंने टीकाकरण फिर से शुरू करने के पक्ष में 10 वोट डाले हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने जोखिम की चेतावनी जारी करने को भी कहा है। आपको क्या लगता है कि जो भी अमेरिका ने खतरा उठाया है जॉनसन कोरोना वैक्सीन पर लगा बैन हटा के, क्या ये सही है? इस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। कोविड का दौर चल रहा है, प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।